गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड दो दिन से मैं गायब थी, लेकिन मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, ठीक है। वेल, दो दिन से मैं क्यों गायब थी, इसका रीजन आप लोगों को जो है ना मेरे ब्लॉग चैनल पे मिल जाएगा। बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी कि मैं कहाँ बिजी थी और क्या सब चीजें चल रही थी, ठीक है। वेल, कैरी मराठी का वीडियो आ चुका है और मैं लेट हूँ हमेशा की तरह। हाँ, बोलने तो आता, हमेशा का यही डायलॉग है कि लेट हूँ, आकर माफिया मांग लेती हो। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करके बताना है मुझे कि और किसके वीडियोज पे रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। मैगी खाओ, बॉडी बनाओ। ओके, चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। कैसे हैं आप लोग? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है मेरे से बड़े तो तेरे हैं? तो तुम्हें जरूरत है एक फिटनेस गुरु की, नहीं बनती बॉडी बिना लिए पिल। मैदान में उतर रहे हैं तरुण गिल। इतने फील में तो आरनॉट सेक्स भी नहीं करता होगा जितने फील में वर्कआउट कर रहा है। सोचो तुम जिम में बोलो भैया वो रॉड देना, और भैया सही में रॉड। इसका ना काफी लोगों ने रोस्ट किया है, ठीक है, लेकिन कैरी मराठी का तो क्या ही बोलना, हाइट है हाइट। इतने मजे से ले रहा, देने वाला भी डर जाएगा। अबे रोटी दी है, छड़ी थोड़ी, ऐसा क्या जादू कर दिया? रोटी खाओगे रोटी बन जाएगी, रोटी में होता है वीट, वीट मींस ग्लूटेन, रोटी से बेटर मैगी। तो मैगी कौन सा बाजरे की बनती है, उसमें भी तो वीट होता है। अबे टंबल बुद्धि, पैकेट घुमा के नहीं देखा क्या कभी? आई एम अ मैगी मैन, मैगी मैन दबा के खाता हूँ। देख लो फिर मैगी के साथ ऐसे हो जाएगी। मैगी से बॉडी बन रही होती तो मेरे छाट तक के एब्स होते। सोचो तुम किसी बॉडी बिल्डर को बोलो, सर मैंने सुना आपने मैगी खा के बॉडी बनाई है। क्या खा के बनाई है? मैगी। मिल गया जवाब। खैर अपने पैर हिलाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तुम देख रहे हो किससे आया? वायग्रा से, बिकॉज मैं कभी कभी यूज करता हूँ वायग्रा एज अ प्री वर्कआउट। अभी तो ये अकेला जिम करता है, लड़कियां छोड़ो लड़के भी नहीं आते, क्या भरोसा का सूर्य नमस्कार हो जाए। कभी कभी होता होगा आपके साथ सडनली बैठ जाता है, सेक्स से पहले या मास्टरबेशन से पहले। व्हाट यू रियली नीड इज कॉफी। इसके फंडामेंटली उल्टे चल रहे हैं, सेक्स से पहले कॉफी और वर्कआउट से पहले वायग्रा। अबे सर पे डंबल गिर गया था क्या? और मास्टरबेशन से पहले कॉफी कौन पीता है? हिलाने को भी वर्कआउट बना रखा है। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में मिलाते हैं दारू, थोड़ा मैं डालूंगा प्रोटीन। कितना डालना है बता दियो भाई। अरे जैक डेनियल्स के चोदे, ये कौन सी कॉकटेल बना रहा है? और प्रोटीन के पीछे तेरा भावड़ा थोड़ी होते हैं। अबे लंबे कचनी, दहेज में भी प्रोटीन के डब्बे मांगे थे क्या? कसम से इतना एक्सपेरिमेंट तो फूड ब्लॉगर नहीं करते जितना ये अपने शरीर पे कर चुका है। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या सिगरेट पीने से आपके स्टैमिना में फर्क नहीं पड़ता? पड़ता होगा यार। पड़ता होगा नहीं, पड़ रहा है। लाइफ हो गया लाइफ। तो भाई लोगों, बहन के जनो, जिंदा हूँ। शाणी कान इंहेलर ले ले, हर शब्द के बाद जंगली सुअरों की तरह सांस ले रहा है, लेकिन नहीं सुटेरी बनना है। इसके फेफड़ों में इतना डाल भर रखा है 100 मीटर की रोड बन जाएगी। और नवाबी लोड़ू सुट्टा मारना तो सीख ले। ये क्या 17 साल की लौंडियों वाली हरकत है? मुंह में रख के फुक्किया छोड़ रहा है, जबरदस्ती कूल बनना है। शराब समझ के हुक्के का पानी तो नहीं पी जाता। मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है? सबसे पहले I go back to sleep, well, I just get ready, and guess what? I have sex again. Workout ka time ho jata hai shaam ko. Gym jata hu. Gym ke baad, guess what? I have sex again. Ye sambhogi nahi, gupt rogi hai. Saans itni phoolti hai, din ke 6 cylinder lagte honge. 3 times sex kar raha hai ye. Jaisa iska attitude hai, khud ka chupa to nahi marta. Jo sabse ghatiya, sabse dangerous drug hai. Amp aur turn. Pehli baat to agar aapko identify karna ho na, ki kisne le rakha nahi le rakha ye dekho. Unke aise nishan ho jayenge. Ab aap sochoge ki maine turn le rakhi hai. Maine ब्लड टेस्ट कराया गया। बचपन से ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, हमारे तो आज तक ऐसा निशान नहीं आया। अब स्ट्रीट स्मार्ट के चौधे दूसरों की चीटिंग पकड़वाने के लिए अपने फर्रे क्यों दिखा रहा है? Don't you wish your daddy was hot like me? अपने डैडी को दिखाओ कि पापा पापा आप ऐसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारे बाप को गांड में इंजेक्शन लेने का शौक नहीं है ना, तरुण गिल के 2 वर्जन है। वाह भाई क्या बूढ़ी है, छाती के निप्पल दिख रहे हैं, टी सबसे डोले फट रहे। ये डोले कहाँ गए भाई, और निप्पल को कहाँ होगा? हाँ भाई डैडी, पंप कहाँ है, खत्म हो गया क्या? ये इंजेक्शन वगैरह में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया इन सब पे गेम खेल लो,
उसमें एक फॉर्मेट है वर्ल्ड वॉर, जहां तुम्हें हारने पे भी पैसे मिल सकते हैं। बाकी लूडो, कैरम, पूल, चेस जैसे 100 से भी ज्यादा गेम्स हैं जिन्हें खेल के तुम करोड़ों के कैश प्राइज जीत सकते हो। मजाक में मत लेना, 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी खेल रहे हैं और बाकी तुम्हें 550 रुपए का वेलकम बोनस तो मिल ही रहा है। फटाफट विंडो ऐप डाउनलोड करो। आई हैव कंडम इन माय हैंड, ये आपके पेनिस को लुब्रिकेट कर देता है, व्हिच मींस पेनिट्रेशन बिकम्स स्मूदर। सिमिलरली अगर आप वर्कआउट से पहले जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज करो। जिम में किसको पेनिट्रेट करना है, तेल लगा के थोड़ी घूमते रहेंगे। और सुअर बेटा, जब कहते हैं वर्कआउट इज सेफ्टी, इसका मतलब ये नहीं है जिम में निरोध लेके आ जाओ। मेरे हाथ में सैनिटरी नैपकिन, इसे भी लगा के वर्कआउट करता है क्या? ये मैसेज सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जब भी आप कॉम्पिटिशन खेलते हैं, आपका एक पीक वीक आता है जिसमें आप बहुत इरिटेटेड रहते हैं, मूड नहीं करता किसी भी चीज का, जस्ट एजिटेटेड फॉर नो रीजन। इमेजिन करिए हर महीने आपका ऐसा ही पीक वीक हो जो एक औरत को गुजरना पड़ता। साले केकड़े से थूक के पागल है क्या? कहां की बात कहां ले जाता है? पीरियड्स और बॉडी बिल्डिंग बराबर करती है। ऐसा लड़कियों का मसीहा नहीं चाहिए जिसका खुद महीना चल रहा हो। ये लड़कियों की ब्रा है। अब इसके भी फायदे बताया क्या? कभी कॉन्डम, कभी पैड, कभी ब्रा, हर रोज नए नए गैजेट निकल रहे हैं। अबे मोटी चमड़ी का डोरेमोन और क्या छुपा रखा अपने पिटारे में? अपने मुंह में पहले से ये इन्फ्लुएंसर नहीं, चलता फिरता रिटेल स्टोर है, क्योंकि चांदनी चौक से ज्यादा माल तो इसकी गांड में भर रखा है। दिस इज माय मिडनाइट स्नैक, देख रहे हो? यही है। केक रात को खाऊंगा, राइट? चॉको बेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, ये कल के लिए। इतना मीठा खा के चेस्ट में चूचे बनते हैं, वजन भारी उठाता है, लेकिन जिंदगी हल्के में ले रखी है। मैगी, कॉफी, बाजरा, दारू, सुट्टा, चोकोबेक, अबे सीधे जहर खा लेना, धीरे धीरे के मरना चाह रहा है। और ये जो इसका साइड चेक बन के खड़ा है, ये इसका ट्रेनर नहीं तोता है, सारी चूतिया बातें अपने आप दोहराता है। वेजिटेरियन केले खाओ, टैंक खत्म हो गया। इसका तरुंगिल की वीडियो में और आलिया भट्ट का ब्रह्मास्त्र में कोई काम नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी लगाए लगाते हैं एंड ऊपर एंड स्लो। तुम बड़ा फंसो रहे हो, हद है कसम से। आजकल तो चलता है कंपटीशन है बिग फिट क्लासिक 5th, 6th, 7th, 1 करोड़ कैश प्राइज हो, बीट मी, 1 करोड़ जीतना, आ जाओ। एटीट्यूड तो ऐसे फेंक रहा है जैसे खुद 1 करोड़ दे रहा हो। जिम जाने वालों का यही है, चाहे जिंदगी में लट कुछ रहो खा रहो, लेकिन छाती हमेशा चौड़ी रहती है। तरुण गिल वो लौंडा है जो सबसे पंगे लेता है, पहले खुद ही लड़ाई छेड़ेगा। और बीट मी, 1 करोड़ जीतना, आ जाओ। और जिस दिन लड़ाई होने वाली होगी, तरुण तुम तो आज 8 लाख रुपए जीतने वाले थे बिग फिट क्लासिक में। अच्छे तरीके का, ओहो यार, मेरी तो नींद ही नहीं खुली है। 40 साल का हो रहा है, ना बहाने मारना आता ना सुट्टा, अगला वायग्रा खाके भी सिर्फ बात ही चोट पा रहा है। और ये सीधे 1 करोड़ से 8 लाख, अबे इतना नीचे तो क्रिप्टो की मार्केट नहीं गिरती। तो देखा, आप लोगों से प्यार ही इतना, आपके लिए जगह छोड़ दी, जाओ 9 लाख रुपए जीतो, इसलिए भाई। तू तो भूलता भी है, ये घोड़ा नहीं घोड़ी है, तरुण गिल को हमेशा चढ़ा के रखता है। अरे क्या घपला है, कभी 1 करोड़, कभी 8 लाख, कभी 9 लाख, ये भगवान के स्कैमर है नहीं, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे। ये देख, सॉरी गाइस, डियो बहुत क्रिंजी बाबा, ये पहन के दिखाएगा क्या? अपने माथे पर निरोध लिखवा ले, जैसी इसकी हरकतें हैं ओयो से ज्यादा बातें तो उसके जिम में आती होंगी, दुनिया भर की गंदगी चाटता रहेगा। एक काम कर, मेरे आंट खा ले, उसमें ग्लूटेन नहीं होता, ये प्रोटीन के पीछे इतना बावड़ा है, दूध के लिए लड़की प्रेग्नेंट कर देगा। आओ यार, इसकी सही में डाइट प्लान फॉलो करके देखते हैं। हाँ भाई घोड़ी, बता क्या क्या खाना है? जिम के पहले हमें खाना है मैक डी महाराजा बर्गर, जिम के बाद क्रीमी चीज बेक पास्ता व्हाइट सॉस, उसके बाद है मैगी 2 प्लेट मैगी, उसके बाद क्या खाना है, आइसक्रीम 200 ml आइसक्रीम, मॉन्स्टर बनना है तो खाना पड़ेगा, उसके बाद सोने से पहले के 3 मफिन। क्या बॉडी देख रहे हो, गोले, चेस्ट, एब्स, ये जॉलाइन, सॉरी तरुण भाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, अंबानी के बेटे वाली फीलिंग आ रही है। लव यू तरुण भाई, अब अगर तुम्हें भी ऐसी बॉडी चाहिए तो लाइक मारो, एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। और ये हंसी है, मजाक है, तो तरुण गिल को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी विंडो ऐप डाउनलोड करो बे, 550 रुपए की वेलकम बोनस वाली पप्पी मिलेगी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है तो वो भी सफेद हो गया, उस पर डब्बा फेंक के मारो या प्रोटीन का डब्बा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे हगने जाना है। बाय बाय। वो है मेरी व्हीलचेयर लेके आ।
मुझे एंड पार्ट बहुत 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 अच्छा लगा और बहुत गोलू मोलू सा अच्छा लग रहा था। ठीक है, कैरी मिनाटी जो भी जिस तरीके से उनका गेटअप बनाया ना उन्होंने हेल्दी वाला, बहुत अच्छा दिख रहा था। और पता है मैं स्टार्ट से देख रही थी कि इतना लूज शर्ट क्यों पहना है, क्यों पहना ऐसा आ रहा था माइंड में, और वो लास्ट मोमेंट पे समझ में आया। ठीक है, वेल अभी एक बात आप लोगों को बताऊं सीरियसली कि मुझे फर्रे का मतलब नहीं पता था, सीरियसली नहीं पता था। ये मुझे कुछ 2 साल पहले पता चला है, वो भी कैसे, मेरे सिस्टर का जो बेटा है ना, तो वो अपने कुछ इंसिडेंट्स बता रहा था कि मम्मी आज क्लासरूम में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मुझे वो बोल रही थी कि फर्रे फर्रे अपने, कि फर्रे होता क्या है, मैंने क्या सुना था, चीट सुना था, चीटिंग सुना था, फर्रे वर्ड मैंने पहले नहीं सुना था। बोलते फर्रे मतलब चीटिंग, मैं कि अच्छा 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 ओके ओके, तो वहां से मुझे समझ में आया कि अच्छा फर्रे भी एक वर्ड है, ऐसे वाली चीज है। ठीक है, वेल कैरी मिनाती को क्या ही बोलना यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, और सच में मतलब बहुत ही क्रिंज लगता है वो ना, जब उसके बीच में दिखाते भी है ना क्लिप्स, तो मुझे जितने भी रोस्टिंग्स देखी हैं उसकी, तरुण गिल की, धीरू मौंची की ले लो, या और भी जिनों जिन्होंने रोस्ट किया है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, तो बहुत अलग ही साउंड करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है, एंड यस वीडियो खत्म करते हैं, बहुत एंजॉय किया। चलो गाइस जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन जाते वक्त आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है, कुछ भी वीडियो में पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड ऑफ कोर्स फैमिली के साथ में तो नहीं कर सकते लेकिन कैरी मिनाटी के फैंस के साथ में भी। और दूसरी चीज यहां तक देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे ऐसी और रिएक्शंस देखने के। मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको भी आप जाकर विजिट करें, वहां पर मेरा आपको डेली रूटीन पता चल जाएगा, ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करती हूँ और चैलेंजेस भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। अगर आप लोगों को कोई चैलेंज देना है तो वहां पर मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। एंड यहां तक देखने के हमेशा की तरह रियली थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय। Cause there's so many things left to explore, I don't know how to back.